प्रणाम साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी सुबह 4:15 हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे प्रिय मित्र दर्शिल भट्ट, बंसी भैया और हमारा रुद्र शिखावत, ये सारे भाई यहाँ पे मौजूद है। क्या हो गया भाई, क्या इशारे कर रहे हैं? थोड़ी कॉफी पिएगा? मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 4:30 आज उठे हुए हैं और हमारे साथ में हमारे सबसे प्रिय पुष्पेंद्र भारद्वाज जी भी उठे हुए हैं। आज रात को हम लोगों को तो देखो नींद नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि आज सुबह जो है रिजल्ट आने वाला था अपने चुनाव का, और पापा को भी लगता है आज नींद नहीं आई है रात भर। पापा, आई नहीं आएगी आपको नींद आज? बेटा, आज कैसे नींद आ सकती है? पूरे राजनीति की 25 साल की तपस्या और लगातार 10 साल के इस सांगानेर में संघर्ष के बाद आज ईश्वर की कृपा से जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। टेंशन भी है, खुशी भी है और उत्सुकता भी है। अब पापा टेंशन मत रखो, उत्सुकता रख लो, खुशी रख लो। अब जो भी भगवान ने अपने मन में सोच रखा होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब टेंशन अपन को नहीं लेनी पापा, अपन ने कर्म, आपने मेरे को एक चीज़ बोली थी, कर्म ही सेवा है, कर्म ही पूजा है, और कर्म अपन ने बहुत अच्छे करे हैं। अगर नहीं करें तो आप बता दो भाई। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो अभी अपन लोग चल रहे हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। आप भी पापा नहा धो के रेडी हो जाओ ना, फिर मंदिर निकलेंगे अपन सब लोग। बिल्कुल, अभी दोस्तों को उठा देता हूँ मेरे। ये देखो, ये तो प्रिय भाई, इनको भी नींद नहीं आई आज टेंशन के अंदर, थोड़ी थोड़ी टेंशन में ये लोग भी थे। टेंशन में नहीं, एक्साइटमेंट कह सकते हैं, जो भी है, मिक्स्ड फीलिंग है थोड़ी सी। क्या हुआ? कॉफी कहाँ है? कॉफी यार, तुमको यार ये नहीं पता क्या घर में कॉफी कहाँ पे रहती है यार? ये नहीं, कॉफी तुम्हारी कहाँ है भाई? कोई पता नहीं भाई, मैंने वहां देख ली तभी देर से पूछा। कोई बात नहीं, मैं जाके छोरों को उठाता हूँ। ले आजा दर्शिल, अपन लोग संटी मार मार के इन लड़कों को उठाते हैं। तो यार ये लोग सो कैसे गए? इन लोगों को मतलब कोई डरवर नहीं है? इनके मन में एक्साइटमेंट नहीं है क्या चुनाव की? नहीं है, इनके मन में आत्मविश्वास है। जो पिछले 10 साल से अपन ने संघर्ष करा है जनता के प्रति, अपना जो लगाव था, जो अपनी मेहनत थी, हाँ। उसका इन सबको पता है क्या परिणाम है। तो मेरे को एक चीज बताइयो, मतलब हमारे मन में नहीं है क्या? अपन में भी है, लेकिन यार युवा जोश है, युवा शक्ति है ये भी। अच्छा, ये अपन से ज्यादा युवा शक्ति है। तो उठाओ इनको, युवा शक्ति उड़ जा, उड़ जा भाई, युवा शक्ति का हाथ मत तोड़ दो। आ जाओ भाई, आर्यन उड़ जाओ। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, उड़ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग भाई, बोलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आपका रुद्राक्ष देख के याद आ गया मेरे को। यहाँ पे नहा कौन रहा है बाथरूम में? ये कौन है इतना आधुनिक हमसे? भजन चल रहा है बाथरूम में, देख सकते हैं आप लोग। सुबह सुबह धार्मिक गाने चल रहे हैं। अरे इनको बताया ही नहीं मैंने साथियों को तो कि अपन कहाँ जा रहे हैं। साथियों, हम लोग अभी सब लोग नहा धो के मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि अब देखो कुछ अपन नहीं कर सकते, सिर्फ पूजा कर सकते हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना करने के लिए हम जा रहे हैं। मिल गई क्या भाई तुमको कॉफी? कुछ नहीं कर सकते कैसे बोला, तो अपन ने बहुत कुछ कर दिया है। अरे तो अब थोड़ी कुछ कर सकते हैं, ये कह रहा हूँ, अब जो अपने हाथ में था ना वो सब अपन ने कर लिया, अब कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपन ने कर दिया, आखिरी स्टेप यही है प्रार्थना करना बस। अब तो बस अपन ये कह सकते हैं कि भगवान जी, अगर हमने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी तो अब की बार अपन को जिता दो भाई। तो अब भगवान जी जो भी हमारे लिए अच्छा होगा, जो भी उनने सोच रखा होगा, क्योंकि देखो भगवान से ऊपर कोई नहीं है, तो वो चीज़ आज हो जाएगी। क्या कर लो, ये पापा के लिए बना दी तुमने? आओ भाई आओ, पापा को सर्व करो आज अपने पवित्र हाथों से। आप मेरे पापा को ये कॉफी सर्व करो। हाँ तो साथियों, मैं क्या बता रहा था आपको, मेन चीज़, हाँ अभी पहले तो हम लोग मंदिर जाएंगे 2-3, ठीक है? पापा ने जो है कुछ मंदिरों में बोल रखा था कि मैं जाऊँगा जिस दिन रिजल्ट होगा, तो अभी पापा वहाँ वहाँ पर जाएंगे, हम लोग उनके साथ साथ चलेंगे। उसके अलावा सुबह 8 से जो है वोट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो सुबह 8 से लेके हम लोग जो है लाइव काउंटिंग देखेंगे। हो सकता है कि हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे अभी काउंटिंग हो रही है वहाँ पे पापा जाएंगे, तो हो सकता है अपन भी चले जाएँ वहाँ पे। बाकी पापा सुनो, अपने कितने बजे तक चलेगी वोट की काउंटिंग, मतलब मेन रिजल्ट कितने बजे आ जाएगा? मेन रिजल्ट आ जाएगा 12:00 तक। 12:00 तक आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 मान के चलते हैं। हाँ तो मतलब 2 तक पता चल चुका होगा भाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी से नहा लेता हूँ। अरे यार नहाऊं कैसे, ये रिश्तेदार जी 1 लगाओगे क्या? हो ना, नहाना है मेरे को। साथियों अब मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी होके फिर मिलता हूँ आप लोगों से। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो शीश के दानी की जय। तो साथियों जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम सारे साथी एकदम तैयार हो गए हैं बढ़िया तरह से। बंसी भैया एकदम सेक्सी तैयार हो गए हैं, हमारे सारे भाई एकदम हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन हमारा एक भाई है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं भाई। वो कितनी देर लगाएगा अभी, पागल वागल हो गया क्या वो बंसिया? कुर्ता प्रेस कर रहे हैं, मतलब मैंने और दर्शिल ने कुर्ता पहन लिया ना, इस चक्कर के अंदर वो भी पीछे पड़ गया कि भाई मैं भी कुर्ता ही पहनूंगा आज, है ना? तो इस चक्कर के अंदर वो भी कुर्ता पहनने में तो वेट कर रहे हैं अंशुल का, बस अंशुल आ जाए फिर तुरंत अपन निकले हैं, थोड़ा लेट हो गए। अभी हमें गणेश जी के मंदिर जाना है मोटी डूंगरी, और वहाँ पापा तो मेरे साथ पहुंच भी गए होंगे, उनको 10 हो गए निकले हुए, वो तो पहुंच के निकल भी गए होंगे यार, सही बात है। तो अब जल्दी से चलो यार, ऐसे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। बाकी ये बहुत ज्यादा स्पेशल कुर्ता है, ये मैंने कहा ना स्पेशल ओकेजन आज के लिए, मतलब संभाल के रख रखा था, ये कुछ ज्यादा स्पेशल है। बंसी आ गया, आ गया मक्खी, आ गया आगे क्या मक्खी क्यों बोल रहा आप इस बेचारे को? बैठ ना, अरे जल्दी बैठ, है खड़ा क्यों है तू? तैयार नहीं हो गया, इतनी देर से वेट कर रहा है, आधा घंटा होने को आ गया यार।
भाग में जिसके है राजस्थान, सांगानेर की जो है शान, रग रग में जिसके है राजस्थान, सांगानेर की जो है शान, सेवा ही धर्म है जिसका करता जो सबका सम्मान, जिन सत्ता के जो कर गया ढेरों काम, ढेरों काम, सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज रे, जनसेवक ही जीतेगा जनता का होगा राज रे। तो साथियों जैसा आपने देखा हमने गणेश जी के बहुत अच्छे वहाँ पे दर्शन किए, हमें बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब आई वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। सिर्फ मेरे पापा ही नहीं और भी जो कांग्रेस के और अपने बीजेपी के प्रत्याशी जो एमएलए के खड़े हुए हैं वो भी हमें वहाँ पे मिले थे, और मेरे हिसाब से मोस्टली जितने भी नेता जयपुर वगैरह के होंगे या बाहर के भी आज आ रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, है ना, क्योंकि कर्म जिसको जो भी करने थे वो तो उन्होंने कर लिए भाई पहले, अब तो सिर्फ पूजा और प्रार्थना कर सकते हैं अपन लोग। तो अभी सब लोग वहाँ पे आ रहे थे तो मैं खुद भी पर्सनली अभी अपने दो प्रत्याशियों से मिलके आया हूँ, मैं अभिषेक चौधरी जी से मिलके आया हूँ जो हमारे झोटवाड़े से कांग्रेस के प्रत्याशी है और बहुत ही यंग और मतलब एनर्जेटिक लीडर है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके मेरे को। अगर ऐसे यंग चेहरे जो है अपनी राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में मेरे को वहाँ पे गोपाल शर्मा जी भी मिले जो हमारे सिविल लाइन से अभी बीजेपी के प्रत्याशी है, वहाँ से खड़े हुए हैं, तो अच्छा लगा मेरे को आज सब लोगों से मिलके। अगर वहाँ पे और देर रुकते तो और भी ज्यादा प्रत्याशी अपन को मिलते, खूब सारे तो निर्दलीय लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मैं नहीं जानता था तो उन लोगों से मैं नहीं मिला वहाँ पे, लेकिन मतलब हर कोई आया हुआ था आज, ये चीज अच्छी चीज है, हर कोई भगवान में श्रद्धा रखता है कि हाँ यार भगवान जी हमारी नया पार लगाएंगे, तो अच्छी बात है। आज हम भी इसी चीज से गए थे कि भाई यहाँ पे कोई भी कसर छूट गई हो तो भगवान जी उस कसर को पूरी कर देंगे भाई। और अभी हम लोग निकल चुके हैं। यार तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कुछ कर नहीं रखा, तुम्हें भूख भूख लग रही है क्या? कुछ करवाओगे तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था? नहीं भाई क्यों? ये अगर तुम त्याग अगर हफ्ते भर पहले करते ना अन्न का त्याग तो मैं समझता भी सही, लोगों ने यहाँ पे महीने महीने भर से अन्न का त्याग कर रखा है और तुम यहाँ पे जो है चंद घंटे पहले करके देख रहे हो। लो अपन लोग यहाँ पे पहुँच गए, अभी चाय बिस्किट खाएंगे सारे भाई, चाय और बन मसाला, हाँ इनको नहीं खिलाएंगे, लेकिन कोई नहीं इनके मन में भी श्रद्धा है, इनने भी देखे देखो चाहे छोटा त्याग करो पर चलो इन्होंने अपने मन से जो किया अपने मन से जो किया अपन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नमन जी वी रिस्पेक्ट यू, पर मैं इनके एक डिसीजन के बहुत खिलाफ हूँ यार। क्या इन्होंने बोला मैं चप्पल का त्याग करूंगा, हाँ। कर रखा था इन्होंने, याद है वो वोटिंग वाले दिन? अरे हाँ। अरे वे? इधर आओ भाई, एक बार बताओ मेरे को आपने चप्पल का त्याग किया था ना, ये क्यों पहन लिया आपने वापस? मैंने पूरे एक दिन के लिए समर्पित करी थी चप्पल, और मैंने रहन दो मतलब हर चीज ये एक ही दिन के लिए करते हैं, चप्पल भी इन्हें एक ही दिन के लिए समर्पित की थी, मैं तो खुश हो रहा था। शादी भी गई एक दिन ना करे, अगले दिन बोले कौन तू भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अरे यार उनको जो करना है करने दे, अभी अपन लोग बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पेट वेट भर लो फिर तुरंत ऑफिस चलते हैं, ऑफिस से बैठ के लाइव वोटिंग देखेंगे आज अपन लोग। इक्यावन लिए है प्राण, सुन लो बात जी, होगा मसलों का निवारण हाथों हाथ जी। बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में, शुभकामनाएं मनोज जैन की तरफ से, बहुत बहुत बधाई आपको। ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं बहुत ज्यादा, सुबह सुबह आज फुल एनर्जी है। ये देखो साथियों यहाँ पे पूरी स्क्रीन वगैरह लग रही है, लोगों के बैठने की तैयारी हो गई है, 8 बजे से भरना चालू हो जाएगा। आज सारे जो अपने जुझारू कार्यकर्ता अपने साथी परिवार का हिस्सा जितने भी लोग हैं आज सब लोग यहीं पे बैठेंगे, मैं भी यहीं पे बैठूंगा और अपन लोग बैठ के बढ़िया एकदम एंजॉय करेंगे आज जो वोटिंग होगी ना लाइव। आपको पता है कि लाइव काउंटिंग चलती है अपने जो वोटिंग होती है उसकी, तो उसको अपन लोग बैठ के एंजॉय करेंगे और फिर जीत का सेलिब्रेशन भी साथ में करेंगे, तो मजा आएगा। दर्शन भट्ट तू एक्साइटेड है क्या भाई? भाई एक्साइटेड हूँ लेकिन थोड़ा टेंशन भी हो रही है। क्या बात होगी? अरेंजमेंट है काफी खराब चल रही है। खराब चल रही है मतलब जिस स्क्रीन में जो आपने डिस्प्ले आएगा न्यूज चैनल का वो सेटअप बॉक्स नहीं आया, तो फटाफट अरे भाई तो देखेंगे जैसे सेटअप बॉक्स आया। अजय भैया को बैग लेकर भेज रहे हैं, वो सेटअप बॉक्स लेके आ रहे हैं जिससे अपना टीवी में अपना स्टार्ट हो जाए डिस्प्ले। ऐसे यार ये मतलब ये लेट लतीफ काम क्यों करते हैं यार ये लोग, इतना अनसिस्टमेटिक नहीं होना चाहिए यार, मैनेजमेंट से होना चाहिए सारा काम यार। मनोज भैया की गलती है, मैं तो मनोज भैया की गलती मानता हूं। देख सकते
साथियों, अभी काफी सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे। अरे भाई कुछ कुछ लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जीते, मतलब मन से दिल से इच्छा है। जिसमें से एक अभिषेक जी हैं, एक मेरे को रविंद्र सिंह भाटी जी बढ़िया आदमी लगते हैं, बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को वो। यार उनका बनता भी है यार, उनको टिकट देनी चाहिए थी बीजेपी को, दी नहीं उनको टिकट, लेकिन निर्दलीय जीत जाए मैं तो ये चाहता हूँ। मेहनती अच्छे आदमी है वो, बाकी मेन तो अपनी सीट है, अपनी सीट निकले सबसे मेन बढ़िया। उसके अलावा और भी सीटें हैं, मेरे दोस्तों की भी सीट है, दोस्त के पापा है दिनेश मेडसी जी, वो रतनगढ़ से बीजेपी से खड़े हुए हैं, उनका भी देखते हैं क्या चल रहा है। देखो रहा आगे पुष्पेंद्र जी आगे आगे पटेल, सब भगवान को धन्यवाद। अपन तो सुबह ही चल के आए यार, भगवान का आशीर्वाद लेके आए, इतनी अच्छी तरह बहुत अच्छा लग रहा है। 3 राउंड के बाद की तस्वीर, भाजपा के भजन लाल लगभग 3500 वोट से आगे चल रहे हैं, लगातार भजन लाल अपनी बढ़त बनाए हुए सागर विधानसभा सीट से। जहाँ 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और यहाँ से पुष्पेंद्र भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, 3500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लीड यहाँ पर भजन लाल बरकरार रखे हुए हैं सांगरे विधानसभा। तो मुझे लगता है यहाँ पर बीजेपी वाले और उनके समर्थकों को एक थोड़ी। साथियों अभी हम लोग कार्यालय से तो निकल गए, वहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेसिंग माहौल हो रखा था, पहले हम लोग काफी ज्यादा मतलब पीछे चल रहे थे, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा अपन लोग जो है डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, मतलब जो गैप आ गया था बीच में, मतलब 7000 वोट आगे चल रहा था भजन लाल अभी है थोड़ी देर पहले, तो फोर्थ राउंड के बाद में अभी थोड़ा सा गैप कवर हुआ है, तो बहुत डिप्रेस्ड फीलिंग आ रही थी वहाँ पे, तो बहुत गंदी मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, तो हम लोग थोड़ा सा निकल गए और हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं बालाजी के मंदिर पे, जहाँ पे मेरे पापा ने अपने जूते चप्पलों का त्याग किया था कि भाई जब मैं जीतूंगा तो फिर मैं आऊँगा यहाँ पे जूते चप्पल वापस पहनने के लिए, तो उसी मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पे सारे भाई हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। दर्शन क्या चल रहा है राउंड्स का, एक बार थोड़ा सा तू ब्रीफिंग दे, तूने ढंग से भी एनालाइज किया है ना। मैं जो तुमने बोला सेम वही चला, फोर्थ राउंड में अपन 7000 कुछ वोट से पीछे थे और फिफ्थ राउंड खत्म होते होते अपने डिफरेंस 4500 का रह गया, मतलब अपन सिर्फ 4500 वोट पीछे हैं और वो भी शायद 6th राउंड खत्म होने तक मेरे हिसाब से 1000-2000 में आ जाएंगे अपन। तो ऐसे धीरे धीरे करके पहले अपन तो अपनी ट्रेलिंग जो पीछे थे ना अपन, पहले अपन वो बैक को कवर करा और अब अपन लीड पे आएंगे, मतलब 3-4 राउंड के बाद अपन लीड आ जाएंगे मेरे हिसाब से। भगवान देखो गलत तो नहीं होने देगा जितना है, देखो सच्चाई की बात तो आज बीजेपी कांग्रेस की बात रही है, आज एक अच्छे इंसान मेहनती आदमी की बात है और जिसने काम किया है, जिसने कर्म किया है, पापा एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई कर्म ही पूजा है, तो जिसने कर्म अच्छे किए हैं भगवान उसके साथ भी गलत नहीं होने देंगे। तो साथियों अभी हम लोग पहुँच गए मंदिर पे, ये वो वाला मंदिर है जहाँ पे पापा ने अपने जूते चप्पल का त्याग किया था, यहीं पे आए थे पापा, तो अभी प्रार्थना करते हैं अपन लोग। आ जाओ भाई, आ रहे हैं, चलो आ जाओ, चलते हैं अपन। आपकी तो वैसे ही बालाजी ज्यादा सुनते हैं, अरे भाई हर सैटरडे ट्यूसडे को भाई अपना बालाजी के लिए हर बार मन्नत मांगी है भाई होगी भाई अपनी पूरी, अभी बिल्कुल पूरी होगी, आ जाओ चले, आ जाओ आ जाओ। तो साथियों जैसा आपने देखा कि अभी रिजल्ट आ गया भाई, सांगानेर के अंदर नहीं जीते हम लोग और काफ़ी बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं सोचा कि इस चीज़ से भागने की जगह अपन इसके बारे में थोड़ा बात भी करें। अभी मम्मी भी साथ में बैठे हुए हैं, काफ़ी परेशान थे, काफ़ी रोया भी मैं, काफ़ी घर में भी सब रोए परेशान हुए, क्योंकि देखो साथियों आज दुख अगर हम लोगों ने मेहनत नहीं करी होती ना तो नहीं होता। आज खूब सारे लोग हमें बोल रहे थे कि यार आप तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में हो, तो ये चीज़ आज जब हमारे सारे काम हो चुके थे ना उसके बाद में हम कॉन्फिडेंस में थे, जिस दिन वोटिंग हो चुकी थी उसके अगले दिन से ही, उसका कारण था कि हम लोगों ने जो है मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज आदमी कब डरता है, जब उसने सोचा हो कि यार मैं काश वो एक चीज़ कर लेता, काश मैं वो कर लेता, ये कर लेता, आज की डेट के अंदर जितना हमने किया, चाहे वो लोगों की सहायता हो, लोगों के काम कराए हो, चाहे हमारा प्रचार हो, हमने किसी चीज़ में छोटी सी भी कमी नहीं छोड़ी हमने किसी भी चीज़ के अंदर, तो इसलिए मन में हमें पता था कि भगवान जी जो है हमारे साथ में गलत नहीं होने देंगे और जो अपन ने मेहनत करी उसका फल भी अपन को मिलेगा। अपन लोग अपनी तरफ से जितना कर सकते थे ना, जितना अच्छे से एक चुनाव लड़ा जा सकता था। आज आप लोग यूट्यूब पर मेरे को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से मैं लगातार बहुत अच्छे से लगा हुआ था और मेरे पापा पिछले 10 सालों से लगे हुए, मेरा 2 साल से यूट्यूब चैनल चल रहा है, आपने पिछले 2 साल में ढंग से देखा होगा कि मेरे पापा पूरे टाइम जो है अपने सांगानेर के अंदर रहे और लोगों के काम करा रहे थे, कभी रोड बना रहे थे, कभी कोई लाइटें लगवा रहे थे, कभी कोई बीसलपुर की पाइपलाइनों का काम करा रहे थे, आज सिविल लाइनों का काम करा रहे थे। आपको पता है सांगानेर के अंदर बीसलपुर का पानी नहीं था, अपन लोगों के घर के अंदर नल में पानी आता है ना, सांगानेर के अंदर लोगों के घरों में नल का पानी तक नहीं आता था बीसलपुर का लाइन का, लेकिन पापा ने उसका बजट पास कराया। आज हम लोग चाहे नहीं जीते, आज हम किसी पद पे भी नहीं आए, तब भी मैं ये चीज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे पापा ने सांगानेर के अंदर बीसलपुर की पाइपलाइन का और सिविल लाइन का जो है बजट पास कराया था, जिसकी आधी से ज्यादा तो पाइपलाइन डल चुकी है, काफी लोगों के घरों में पानी आना चालू हो चुका है, तो करा है उनने आज मेहनत करके काम किया है। और लोगों ने अब क्या बहुत गलत किया कि यार लोगों ने जो एक मेहनती आदमी को छोड़ के लोगों ने पार्टी चिन्ह पे कट्टरता पे वोट दे दिया कि भाई हम तो भाई बीजेपी के, हम कांग्रेस के, ये नहीं देखा कि मेहनत कौन कर रहा था, काम कौन कर रहा था। तो हुआ दुख हमें भी, हुआ बहुत बुरा लगा आज, लेकिन
ठीक है अब क्या कर सकते हैं, आज मम्मी भी परेशान ही है, पापा तो आए घर पे सो गए परेशान हो आगे कि 5 साल की मेहनत थी ना, लोग यहाँ पे आज बोलेंगे हम तो भाई कट्टर बीजेपी के, हमें अच्छा लग रहा है बीजेपी जीत गई, हो गया वो गया। साथियों आज कांग्रेस नहीं आ रही सांगानेर के अंदर, मेहनत करने वाला आदमी आ रहा है सांगानेर के अंदर। आज एक भी व्यक्ति सांगानेर के अंदर चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो ये नहीं बोल सकता कि पुष्पेंद्र जी ने काम में कोई कमी छोड़ी थी। 20 साल हो गए थे सांगानेर में बीजेपी जीत रही थी, 25वां साल है, लेकिन 20 साल में कभी किसी ने ना पानी की पाइपलाइन डलवाई, ना सीवर लाइन डलवाई, ना कोई सिटी पार्क बनवाया। आज गवर्नमेंट का एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट की कॉलेज थी। आज ये सारी चीज़ें पुष्पेंद्र भारद्वाज लेके आए थे सांगानेर के अंदर बिना पद पे रहते, क्योंकि उनको सोचा था, उन्हें एक डायलॉग आपने हर व्लॉग में सुना होगा कर्म ही पूजा है, और उन्हें कर्म बहुत अच्छे से करे थे, लेकिन उसके बाद भी आज हार गए ना तो बहुत बुरा लगा मेरे को। लेकिन ठीक है अब जीत हार चलती रहती है, तो लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है यार चुनाव है जीत हार चलती रहती है, लेकिन जीत हार यहाँ नहीं होनी चाहिए थी साथियों। यहाँ पे सीधा सीधा था कि भाई जो काम करा रहा है और जो नया व्यक्ति जिसने कोई काम नहीं कराया। अब आज मम्मी भी खूब परेशान थे, आपको मतलब था कि एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, किसी ने नहीं कहा था सांगानेर के अंदर इतना। मैं कहूँगी कि आज पुष्पेंद्र जी की हार नहीं हुई है, ये सांगानेर हार गया है। सांगानेर को बहुत सालों इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि सांगानेर में बहुत सालों से वैसे भी कोई काम नहीं थे, पहली बार कोई पुष्पेंद्र जी ने इतने काम कराने की कोशिश की है। और अगर हमेशा हमने तो ये सुना था कि कर्म अच्छे करो फल अच्छा मिलेगा, तो पुष्पेंद्र जी ने तो बहुत अच्छे कर्म किए थे। उसके बाद अगर कर्मों के रिजल्ट ये देती है अगर जनता, तो फिर गलत है। फिर जनता काम की बात करती ही क्यों है? जब भी जाते थे जब तो जनता काम की बात करती थी, और जब जनता काम कराने आती है तब उनकी विचारधारा उनकी बिल्कुल बीच में नहीं आती है, और जिस दिन जनता का काम ख़त्म हो जाता है इलेक्शन में उनकी विचारधारा आ जाती है। तो जब वो पुष्पेंद्र जी के पास आ रहे थे अपने काम लेके, तब भी तो उनकी विचारधारा वही थी ना, तो फिर वो किस वो आए थे ना और किया था ना पुष्पेंद्र जी ने उनका काम। तो आज सांगानेर की हार हुई है, पुष्पेंद्र जी की हार नहीं हुई है। सांगानेर वाले को इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा कि उन्होंने एक काम करने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया है, और जो व्यक्ति को वो जानते ही नहीं थे उन्होंने पार्टी को वोट दे दिया। स्थायी चुनाव में जो भी हम हमेशा से बताते हैं और समझाते हैं कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं उनमें पार्टी को नहीं व्यक्तिगत वोट देना चाहिए कि हमारा व्यक्ति काम करने वाला कौन सा। और जहाँ तक लोग बात करते हैं ना, अभी यहाँ पे 10 लोग आ जाएंगे कि नहीं यार हम तो क्या है ना सनातनी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया। मैं आज आपको ये चीज़ लिखित में दे सकता हूँ कि जितना हमारे हिंदुत्व के कार्य, जितनी हमारे भजन कीर्तन, जितनी आज श्याम बाबा की यात्राएं और जितनी भी हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं आज पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने सांगानेर में कराई है ना, उससे ज़्यादा आज 20 साल में जीते हुए विधायकों ने नहीं कराई। आज ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसके अंदर मेरे पापा ने योगदान नहीं दिया हो, आज ऐसी कोई रैली नहीं निकली होगी, यात्रा नहीं निकली होगी जिसके अंदर मेरे पापा का योगदान ना रहा हो। आज अपने अपने राम प्रोग्राम जब पहली बार राजस्थान में हुआ था ना, वो मेरे पापा पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने रखवाया था, कुमार विश्वास जी का, और ए टू जेड जितने भी काम हुए ना हिंदुत्व के अंदर उन सब में कहीं ना कहीं मेरे पापा का हाथ था। आज कोई भी ये चीज नहीं बोल सकता कि व्यक्तिगत रूप पे पुष्पेंद्र जी ने सनातन धर्म को या हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि हद से ज्यादा बढ़ावा दिया। जितना ज्यादा कोई दे सकता था ना उतना ज्यादा दिया। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं तो 2 साल से चैनल चला के बैठा हूँ यूट्यूब पे, मैं तो डेली व्लॉग्स ही डालता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। नीचे जाओ धीरे धीरे देखो, मेरे तो बर्थडे तक पे मैंने हनुमान चालीसा का पाठ रखवाया था, इतनी तो श्याम बाबा की यात्राएं करवाई है हम लोगों ने, इतने समाज के प्रोग्राम कराए, हम खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे जो है ना जो फैलाई हुई बातें हैं जो मन में उनकी गंदगी भरी हुई थी, यार आप लोगों को जब ये होता है, लोगों ने पता है क्या करा, जो लोग थे जो पापा के साथ में जुड़े थे उन्होंने तो दे दिया पापा को वोट, लेकिन जो न्यूट्रल आदमी था ना जिसको ज़्यादा नी नॉलेज है, उस आदमी ने यार कमल का है यार मोदी जी हैं वहाँ सेंटर के अंदर तो यार मैं कमल दबा देता हूँ। यार आप एक बात बताओ, ये चुनाव मोदी जी के थे क्या? ये चुनाव पुष्पेंद्र जी और भजनलाल जी के थे, जिसमें पुष्पेंद्र जी जो है पूरे 5 साल, वैसे तो 10 साल था लेकिन 5 साल जो है और ज़्यादा अच्छे से लगे हुए थे अपने बीच में। पिछले 10 साल से हैं वो सांगानेर के अंदर, लेकिन पिछले 5 साल से जितना ज़्यादा उनने काम कराया है ना, आज गिनतियों पे मैं गिना नहीं सकता इतने सारे काम है। आज सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, 18 इंग्लिश मीडियम के गवर्नमेंट के स्कूल है, 4 यहाँ पे कॉलेज खुले हैं गवर्नमेंट के, आज यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गया, और कितनी सारी सौगातें उनने दिलवाई है सांगानेर को। आज जो आदमी हारने के बाद इतना काम कर रहा था उसके बाद भी लोग यहाँ पे पार्टीवाद करेंगे, यार मैं इस पार्टी का मैं उस पार्टी का, तो यार आप लोग काम की बात क्यों करते हो भाई? फिर एक बात बताओ, फिर तो पार्टी पे हो जाना चाहिए चुनाव, काम की तो मुद्दे ही नहीं होने चाहिए। जनता के पास में जब वोट मांगने जाओ तो यार हमारे यहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई थी, यार सड़क बनवानी है हमको, हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, हमको ये काम करवाना है। और जब पुष्पेंद्र जी काम करवा दें उसके बाद में तो यार उनकी पार्टी आ जाती है कि नहीं यार हम तो बीजेपी के थे, हम उसके थे, ये थे, ये तो सोचो यार आपके घर के बाहर सड़क कौन बना के गया था, आपके जो नल में पीने का पानी आ रहा है वो कौन करवाया, 4 लोग ये भी कमेंट कर देंगे नहीं यार हमारे घर के बाहर की तो नहीं बनी। तो यार वो तो हारे व्यक्ति थे, उसके बाद भी आज आपके घर के बाहर की नहीं बनी होगी तो आपके घर के बगल वाली बनी होगी, आज हारने के बाद भी कितनी सारी सड़कें
सड़कें बनाए या सांगानेर में सारी ही सड़कें टूटी हुई थी, कहीं पर स्ट्रीट लैंप की लाइटें नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये चीज़ आप बहुत अच्छे जानते हो, सांगानेर में रहते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे पता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने क्या सोचा, जीते हुए लोगों ने, कि ये तो हमारा बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पे हम काम कराएं या नहीं कराएं, एक ही बात है, यहाँ पे जीतना अपन को ही है। और देखो आपने एक और बार ये कर दिया, 25वां साल है जहाँ पे वापस बीजेपी जीती है, जिसके अंदर एक मेहनती आदमी को तो आपने हरा दिया, और ऐसे एक आदमी को जिताया जिसने आज तक काम के नाम पर कुछ भी नहीं कराया सांगानेर के अंदर। उस व्यक्ति ने यही बोला था कि मैं जीतूंगा तो मैं काम कराऊंगा, और पुष्पेंद्र जी ने बोला था कि मैंने इतने सारे काम कराए हैं, जीतूंगा और ज़्यादा करा के दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद भी आप लोगों ने ऐसा किया, बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि यार इतने सारे लोग थे जो दिल से हमारे साथ में लगे थे, आज लाखों में लोग थे जो हमारे साथ में थे, जिनने हमें इतना प्यार और समर्थन दिया, सिर्फ हमारी विधानसभा की नहीं, आसपास विधानसभा के भी, पूरे राजस्थान के लोग थे जिनने देखा कि यार नहीं, पुष्पेंद्र जी हारने के बाद एक जीते हुए विधायक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज हुआ ना, उससे दिल टूटा हमारा बहुत ज़्यादा, हमें बहुत बुरा लगा, बहुत रोना आया। पिछली बार जब चुनाव हुए थे मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, पिछली बार वाले चुनाव में और इस वाले चुनाव में बस यही फ़र्क था कि पिछले चुनाव के अंदर जब हम हारे थे ना, तो हमारे मन में था कि यार हो सकता है हमसे ही कोई कमी छूट गई हो, है ना, कि हमने ही कोई थोड़ी बहुत कमी कर दी हो। पिछले चुनाव में था कि हो सकता है हमसे कोई कमी छूट गई हो, हम इतने काम नहीं करा पाए लोगों के, हो सकता है हम लोगों को इतना टच नहीं कर पाए हों। लेकिन आज तो ऐसी कोई सांगानेर में एक ही बैठक नहीं होती थी जिसमें पुष्पेंद्र जी का लेटर नहीं जाता हो या पुष्पेंद्र जी नहीं जाते हों, ऐसी कोई शादी नहीं होती थी जिसके अंदर पुष्पेंद्र जी नहीं जाते हो, ऐसा कोई कोरोना टाइम में दिन रात अपनी जान की परवाह करते हुए इन आदमी ने काम किया। तो फिर कामों की बातें क्यों करते हैं लोग 5 साल कि हमें काम का चाहिए, काम तो लोगों को चाहिए ही नहीं। आज जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी ना, तो आप लोगों को याद होगा कि उस समय अपन को इतना डर लगता था कि यार शायद कोरोना हो गया ना तो आदमी शायद मर ही जाएगा बिल्कुल, है ना, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, जी नहीं पाएगा वो व्यक्ति। उस समय मेरे पापा ना सैनिटाइजेशन करवाने के लिए बाहर घूम रहे थे, हर गली गली उन्होंने सैनिटाइजेशन करवाई है। सब्जी मंडी में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि सब्जी मंडी की सारी सब्जियाँ खरीदी थी और उनको जो है गरीबों में बांटा था, लोगों के अंदर बांटा था, राशन के पैकेट बना के बांटे थे। आज किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो, ऑक्सीजन रिफिल करवानी हो तो लोगों के काम कराए थे, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था करवाई थी, कितनी हेल्प करवाई थी लोगों की। जब गायों का लंपी वायरस आया था तो औषधि वाले लड्डू बांटे थे पूरे सांगानेर के अंदर। आज पूरी जी जान से उस व्यक्ति ने मेहनत करी। मैं पापा को एक ही चीज़ बोलता था, यार पापा सुनो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके अंदर जिसको कोरोना होता है उसके चांसेस मरने के होते हैं, तो आप पापा अभी मत निकलो बाहर, जीता हुआ विधायक तो निकलता नहीं है, और आप हारने के बाद भी लोगों के बीच में इतने सारे काम करा रहे हो, आप ऐसे निकले हुए हो कोरोना के टाइम में, सेफ नहीं है। तो पापा ने एक ही चीज़ बोली, मेरे को कोई लेन देन नहीं है जीते हुए हारे हुए विधायक से, मुझे ये लेन देन है कि लोगों ने मेरे से उम्मीद करी थी चाहे मैं हारा था, लेकिन जितने भी लोगों ने मेरे को वोट दिया उनके मन में ये आशा थी कि शायद ये आदमी विकास करेगा सांगानेर का, ये आदमी हमारी सहायता करेगा क्योंकि हमें ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए आज पापा लगे रहे पूरे 5 साल, और आज अनगिनत काम सांगानेर में उनने कराए, इतने लोगों के ट्रांसफ़र कराए जो लोग परेशान हो रहे थे सालों, और उसके बाद भी लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है। लेकिन ठीक है, अब जो भी है, दिमाग तो बहुत पजल्ड हो रखा है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हम सोचेंगे क्या करेंगे अपन लोग आगे। लेकिन मन मैं ना बिल्कुल भी उदास नहीं करूँगा, क्योंकि देखो मेन चीज़ यही है कि हमने कर्म में कोई भी जो है कमी नहीं छोड़ी। आज कर्म ही सारी चीज़ें होती है ना, आज फल तो अपन लोग भगवान पर छोड़ देते हैं, लेकिन आज मुझे इतना दुख हुआ कि भगवान ने भी ऐसा अन्याय किया कि ऐसे मेहनती आदमी को अब की बार जो है नहीं जिताया, जबकि सामने वाला व्यक्ति ऐसा था कि टिकट मिली उसके बाद पहली बार सांगानेर में आए। आज गिनाने को कोई काम नहीं था, हमारे पास हजारों काम थे गिनाने को। तो चुनाव इसलिए थोड़ी होते हैं कि यार किसी को गुरु मान ले, इसलिए होते हैं ना कि आप विधायक को जिताओ और काम करें बहुत अच्छे से। ये अब क्या, लोगों ने काम को ही वोट नहीं दिया, अच्छे आदमी को ही वोट नहीं दिया। ये ठीक है, जो भी है आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग जीते हैं। ये चीज़ आज मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि जितने दिन रात, आज पापा को आधी रात को भी कोई फ़ोन करता था ना, आज INJN तक को पापा फ़ोन लगाते थे कि यार यहाँ पे इस एरिया के अंदर लाइट नहीं आ रही, यार यहाँ पे लाइट चालू करवाओ, लोग परेशान हो रहे हैं। आधी रात को भी किसी का फ़ोन आ जाता था कि सर हमारे घर की लाइट चले गई, हमारी कॉलोनी की लाइट चले गई। इतने छोटे छोटे कामों में भी पापा ने मदद कराई, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने ऐसा किया। ठीक है जो भी है, लेकिन प्यार करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग टेंशन मत लो, आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने भी हमारे साथ में। मेरे को अभी भी यकीन नहीं है कि भगवान ऐसा गलत कर सकता है एक अच्छे इंसान के साथ में, कुछ ना कुछ सोचा होगा फ्यूचर में भगवान जी ने हमारे लिए भी। तो अब जो भी होगा देखा जाएगा, आज का दिन अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, 5 साल की सारी मेहनत बर्बाद हो गई देखा जाए तो। आज इतने ज़्यादा अमीर हम भी नहीं है, एक छोटे घराने से उठे हुए लोग हैं हम लोग, हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे, हमारे बिजनेस चलते हैं, और बिजनेस का जितना भी पैसा था हमने सारा पॉलिटिक्स में लगा दिया था, और उसके बाद में आज जो है ये रिजल्ट देखने को मिला है हम लोगों को। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने पूरी जी जान लगाई, प्रचार में भी लगाई, लोगों की सेवा करने में भी लगाई, कामों में भी लगाई, विकास में भी लगाई। उसके बाद भी अब नहीं हुआ ना, तो भगवान जी ने कुछ और ही सोचा है हमारे लिए, अब देखते हैं क्या सोच रखा है।